नमस्ते मैम। मैम आप हमें बता सकते हैं जब आपके ये समारोह जो हिंदी मुस्लिम जो भी है उनको एक साथ लाने के लिए है, मतलब आपके हिसाब से अभी तक मतलब हिंदू और भाईचारा कितना है हिंदी मुस्लिम में, जहाँ पर आपके हिसाब से कितना भाईचारा है? हैदराबाद में तो सालों से भाईचारा था ही, जब भी दंगे फसाद होते हैं वो होते हैं, बाहर के लोग आके कुछ गड़बड़ करके जाते हैं। अभी वो समझ में थोड़ा टाइम वक्त लगा है, मगर अभी फ़िलहाल तो समझ में आ गया है पब्लिक को। इस वास्ते अभी 23 साल से शायद ना 23 साल से कुछ होता नहीं है इधर, छुटपुट घटनाएं होते हैं। ये सिटी भी बहुत बदल रहा है, नए लोग बहुत आते हैं, इधर का तहजीब इधर का कल्चर समझने वाले नहीं हैं वो लोग, तो बाहर का कल्चर बाहर का सीख यहाँ लाके कुछ करने के चक्कर में रहते हैं। तो वह उस हालात में कुछ हो सकता है, मगर यहाँ के पले बड़े से लोग एकदम समझदार है, ये सब नहीं होता इधर होता है। आजकल सभी साथ में मतलब हिंदू मुस्लिम जैसे रमज़ान दिवाली जो भी हो सब साथ में मनाना पसंद करते हैं जी। हाँ, एक दूसरे के घर जाते हैं, होली मनाते थे साथ में, दिवाली में भी बहुत आना जाना होता है, ईद में तो हम जाते हैं दोस्तों के घर, वो लोग हमारे घर थे, इधर पले बड़े से लोग। जैसे आपने बताया अभी है ना 28 सितंबर 28 सितंबर को कुछ दंगे हो सकते हैं, मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों का फेस्टिवल एक ही साथ ही है, आपके हिसाब से कितने परसेंट चांसेस है और वो लोग मतलब वो लोगों का मकसद क्या है ये सब करने से, उन लोगों को क्या मिल रहा है? मकसद क्या हो सकता है किसी से किसी को लड़वाना, मकसद किसी को भी क्या हो सकता है ना, बीच में फ़ायदा उठाने का पॉलिटिकल फ़ायदा है। सो इससे पीपल लोगों को होशियार रहना है, ये हम सब मिलके करें, स्पेशली औरतों को मिलके करें, कुछ एक्शन लिए, हम घर पूरे बस्तियों में फिर के हम ऐसा आपस में हम नहीं लड़ेंगे, ऐसा करके कुछ करे तो बहुत अच्छा होगा। स्पेशली नाउ हम एक कैंपेन चल रहा है कि एक दूसरे के घरों को हम जाना है, पहचानना है, किसी से नफरत करने से पहले उनको पहचानना ज़रूरी है। बगैर पहचाने नफरत कैसा कर सकते, किसी से प्यार या किसी से नफरत कैसे होती? Only if you know them, you can hate or love anyone. So इसीलिए आके पहचानो, पहले एक दूसरे के घरों पे एक दूसरे को पहचानो, फिर उसके बाद फैसला लो कि उनसे नफरत होना या प्यार होना, मोहब्बत होना। So इसीलिए हम ये करते, हम सब ये देश है, ये इंडिया है, सबका है, भारत देश सबका है। Nothing. It is later on, 1968, that the first riot started, and then it kept on occurring. At this time, many small existing organizations have come up. Then, Mother Hussein and all the scholars of the yesteryear got together and started an association, which ran for a few years and later on was registered as Goa, 28 years after. Goa has merged quite a few small associations together and has got quite a lot of mixture of all people from all walks of life. They have not only done peacekeeping work in India, but try to get Pakistan and India together on the table. In my experience, that interfaith leaders can do a lot to prevent all the troubles, because they are the ones that are the communicating link between all the other places. So their part is very, very important.
other thing is, over the years I've learned that most of this riots and all that are started by political parties. They start the riot, they get out of it, and innocent people get involved with it and are the ones that suffer the consequences of that. उसके बारे में हम मानवीय सौंदर्य कृति के लिए अमल में क्या अमल में आया था इसके तहत सत्यवर्मा एग्जेटी और आम आहंगी के लिए जिन एक्टिविटीज़ किए जाते थे जो एक्टिविटीज उसमें एक अहम यूपी के स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स मुनासिब करते थे मुख्तलिफ सेंसिटिव एरियाज में गेम्स एंड स्पोर्ट्स और हमारे मजहर हुसैन डॉक्टर मजहर हुसैन साहब का इसरा रहता था कि दोनों कम्युनिटी के मिक्स प्लेसेस जो है सेंसिटिव वही होना है हम बताते थे कि नहीं वो फला मुकाम पे प्ले ग्राउंड है और फैसिलिटी सब तो नहीं है दोनों कम्युनिटी के बच्चे उसमें रहना और वो सेंसिटिव एरिया रहना तो इस तरीके से ओल्ड सिटी के मुख्तलिफ सेंसिटिव एरियाज में गेम्स एंड स्पोर्ट्स मुनाफिद किए जाते थे जिसके ज़रिए से दोनों कम्युनिटी के बच्चे नौजवान बच्चे एक जगह जमा होकर खेल कूद के जरिए से हम आएंगे हम एक खेती के साथ राजी होते थे दूसरी एक्टिविटी ये थी कि स्पोकन इंग्लिश ये एकेडमिक एसएससी के कोचिंग क्लासेस उसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी होते थे जिसके ज़रिए से वो भी दोनों कम्युनिटी के मिक्स और सेंसिटिव इलाके में होते थे तो उसके ज़रिए भी वो लोग कोर्स में एक जगह मिल के काम करते थे इस तरीके से प्रैक्टिकल यानी अमली तौर पर इकदाम करते हुए कौमी एकजहती और फैलाना हमदर्दी को खरीद लाया गया लोगों को इस तरीके से पुरानी शहर में कुछ करने के लिए हमको बहुत मौके मिले सो बहुत शुक्रिया को आपको हम अभी ऑल्सो अभी हम दूसरे तरीके में भी जो सेक्युलरिज्म है इसको आगे बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को आगे बढ़ाने के लिए इम्प्लीमेंट होने के लिए लोगों में जानकारी होने के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं सेवरल 18-32 में हम हमारा काम जारी है और ऑल्सो बेघर लोगों में कर रहे हैं स्पेशली बेघर बच्चों को उनका पूरा देखभाल का वो पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं अब तक हम कम से कम एक 5,000 बच्चों को हम रेस्क्यू करके उनको एजुकेशन वगैरह हम उनका देखभाल सब किए थे अभी अभी भी हमारा काम जारी है आप सबके सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह हम हमारा काम आगे और कमिटमेंट के साथ भी हम कर सकते हैं दिस अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट कोवा एंड इट्स एसोसिएट्स आर डूइंग लाइक आई हैव बीन एवरीबॉडी इज बीन डूइंग वेरी स्मॉल टाइम सी द मैक्रो पॉलिटिकल सिचुएशन इज सपोर्टिंग पीपल टू गेट अवे विद मॉब लिंचिंग गेट अवे विद targeted killings and everything but the biggest shock is we come from a background 50 years back we studied in a Christian monitored school where we had children from all walks of life we are thankful we were very fortunate our parents could send us to such a school but aaj humko mushkil ye ho rahi hai ki hamare sath ke jo bacche jo har तबके से आते थे आज जब वो लोग 50 इयर्स बाद हम जो 50 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे स्कूल लीविंग का तो इतना फर्क आ गया है जो हमारा ग्रुप बना है व्हाट्सएप का उसमें देख के शॉक होता है और कुछ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग ग्रुप छोड़कर जा रहे हैं इसी वजह से कि एक तबका जो है उसमें दूसरे तबके को गिराना चाहता है वो दिखाना चाहता है ये एजुकेटेड एलीट में भी ये सब आ रहा है दिस इज वेरी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब अजहर साहब का जो कोवा ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही खूबी से सालों से चला रहे हैं ताल्लुक स्कूल न्यू मॉडल हाई स्कूल से है साथ ही साथ खिदमत सद्भावना फोरम का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ
तो मदर साहब का जो वर्क है, जो काम है, खामोश काम है, स्कूल्स में कई इमिनेंट पर्सनैलिटीज को लेकर आए हैं हमारे पास लेक्चर देने के लिए, बहुत काम। आजकल जो हालात चल रहे हैं नौजवानों में, बच्चों में, जो मोबाइल फोन का एडिक्ट हो गया है, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके असरात 5 साल 10 साल के बाद बहुत ही खतरनाक तरीके से आएंगे। आज हम इसके ऊपर नहीं रोक करेंगे, नहीं कर सकते हैं तो बहुत बहुत गुस्सा। मदर साहब से गुजारिश है कि कुवा की जानिब से मुख्तलिफ स्कूल्स के बाद जगह खाली हो जाती है, उसमें कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2-3 लोगों को एक कैरियर काउंसलिंग के तौर पर अगर रखे, लोगों को गाइड करे बच्चों को कि भाई टेंथ के बाद क्या पढ़ना है, इंटर के बाद क्या पढ़ना है, गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज दे रही है, स्कॉलरशिप कहाँ मिल रही है। इस त्यौहार पर, हमारा देश का त्यौहार ही है, इतना बढ़िया काम कोआ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुआ कि आने वाले भविष्य में जो एक मजर साहब जैसे जो जौहरी हैं, परखते हैं बात को, उनकी निगाह में और आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके जितने भी कॉलिग्स हैं उनकी निगाह में एक बात आई है कि आने वाला एक समय है उसमें हमको अलर्ट रहना है और उसी को नज़र में रखते हुए हम सबको काम करना है। तो बात है सुल्तानशाही या हैदराबाद या हमारे देश के कम्युनल राइट्स की। मैं बताता हूँ, कम्युनल राइट्स कोई करना नहीं चाहता, कोई इंटरेस्टेड रहता नहीं है इसमें। सबको अपने काम धंधों से, अपने बच्चों को पालने से फुर्सत नहीं होती है। एक एक बार को मौका ऐसा आता कि रिश्तेदार भी तरसते हैं, यहाँ बहुत ही लोग हैं, तुम आ रहे हो नहीं हो। ऐसी परिस्थिति में जब राइट्स होते हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। शुरू में समझ में नहीं आया किसके लिए, शुरू में समझ में नहीं आया कौम के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये जो वर्गला करके शुरू में बहुत सारा फायदा उठाया गया जिससे मारे गए सिर्फ हम लोग और खासकर वो तबका जो रोज करके खाने वाला है, दूसरा मिडिल क्लास, और ये तबका समझ नहीं पाया। लेकिन आज बहुत जागरूक हो गया है। इसमें कोआ के साथ साथ हमको भी थोड़ा बहुत मौका मिला कि इस कम्युनल राइट्स के ऊपर काम करने के लिए, तो हम लोग आपस में बात करते थे। मजहब साहब की और कोआ की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। ये साहब ने क्या किया कि नीचे जो हमारी बस्ती है नशेमन नगर, वहाँ के कुछ अच्छे कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, और हमारी बस्ती है जो सुल्तानशाही, उनमें से हमारी समाज के भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, हमको भी साथ में लेकर के एक ज्वाइंट मीटिंग करवाई। मीटिंग के बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया कि आइंदा से जब रूमर्स ज्यादा होते हैं तो हमको ज्यादा काम रूमर्स के ऊपर करना है और दूसरा नौजवानों के ऊपर काम करना है। सर, मैं इसी जमात से हूँ, एमआई पार्टी से, इस वजह से मेरे साहब जाफरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मदर साहब, पहले तो आपको सम्मान समारोह के लिए कंग्रेचुलेशन, आपने हमको इनवाइट किया उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर सब हायर ऑफिसर्स और हायर कोआ स्टाफ बैठे हुए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि अभी हमारे श्यामलाल साहब सुल्तानशाही के बारे में और नशीमन नगर के बारे में सुना चुके हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग वक्तन वक्त यानी मौजूदा हालात पर और आने वाले हालात पर ये रोशनी डालते हैं कि जैसा गणेश फेस्टिवल हो या बोनाल जुलूस हो, ये फेस्टिवल के टाइम पे हम लोग क्या करना चाहिए यंग जनरेशन को लेके, किस तरीके से पीस एक्टिविटीज को करना चाहिए। और बार बार हम लोग मदर साहब भी ये चीज़ को मीटिंग लेके टेलीफोन देते और सपोर्ट करते हैं कि भाई ये टाइम ऐसा करना है, हम लोग पीस एक्टिविटीज़ के लिए ये चीज़ अमल में लाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर क्या बोलते हैं कायम रहे और उस पर काम करें। तो 1998 से आज तक सुल्तानशाही से लेके नशीमन नगर तालाब पट्टी में फसा था, एक इंकरेजमेंट भी होगा, रिकग्निशन भी होगा, और ये सोसाइटी की जिम्मेदारी, उनके सर्विसेज को रिकग्नाइज करने की सोसाइटी की जिम्मेदारी है। तो इसलिए कोआ जो है सामने आके सब देखे लिए। और दूसरा ये है कि जितने भी लोग बैठे हैं, हम उनसे ये भी गुजारिश करना चाहेंगे कि आज जो है हमारे और भी साथी लोग हैं, शायद वो लोग बात करेंगे इसके ऊपर, कि आज 12 साल से, बल्कि 11 साल से हैदराबाद में कोई रायट नहीं हुए। 2012 में लास्ट रायट हुआ था बड़ा, अगर से आप उसी छावनी का छोड़ते हैं 2014 का, तो 2012 में उसमें जो है जब से अब तक तो कोई रायट नहीं हुए हैं। और हम ये समझ रहे थे 1 साल पहले तक का भी कि हैदराबाद में कुछ नहीं होगा,
बट अब जो साल भर में पिछले एक साल डेढ़ साल में जो माहौल बदला है, तो आपको मैं सामने में ये शेयर करना चाहूँगा कि कोवा स्टार्ट हुआ था 42 लोकेलिटीज से जहाँ होता था, पूरे हैदराबाद में नहीं होता, 42 लोकेलिटीज में राइट होते थे। और आज हम जब सर्वे करें तो उसमें जो है नियरली आपको 100 के ऊपर लोकेलिटीज ऐसे हो गए हैं जहाँ पे कुछ जो है टेंशन है, मतलब होने के चांसेस है। आप अत्तापुर का नाम वो जमाने में कभी सुने ही नहीं थे, आज अत्तापुर में हर चौथे तीसरे महीने में कुछ ना कुछ गर्व। वैसे रसूलपुरा, रसूल से पूरे एयरपोर्ट के पास, पुराने एयरपोर्ट के पास, और सरूर नगर, कई ऐसे एरियाज हैं आउटस्कर्ट में जो कि राइट प्रोन हो गए। तो हम समझ रहे हैं कि आज जो है जो हालात भी हैं, जो इलेक्शन आने वाले हैं वगैरह, दिल्ली वहाँ मणिपुर हो रहा है, मेवाड़ है, कई जगहों पे, तो उसका इम्पैक्ट शायद आ सकता है। तो अभी हैदराबाद में जो शांति थी, जो सुख था, शायद अभी जो है शायद कुछ गड़बड़ के चांस हो। सबसे ज़्यादा खतरा जो है 28 सितंबर का है, शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, 28 सितंबर को गणेश विसर्जन जुलूस है। एज ए होमगार्ड हूँ और उससे के अलग पीएस हूँ, और हमारे इसके जिम्मेदार जो है हमारे कोवा के मदर हुसैन साहब और उनके तमाम टीम के जो है, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जो है हर जगह जो अभी कम्युनिटी मीटिंग बिठाते हैं। और जो मेरे ख्याल से जो हम लोग बंदोबस्तों पे देखते हैं हालात, हिंदू और मुस्लिम में जो है जो फ्रेंड सर्कल्स रहते हैं, वो बोना भेंद हो या फिर जो है गणेश रहेंद हो, फ्रेंड सर्कल्स में जो है इंजॉयमेंट करने के लिए जो है फेस्टिवल इंजॉयमेंट करते, उसके बाद में जो है नशे की हालत में आके एक दूसरे में जो है जो लोगों में बोलचाल हो जाती है और उसके बाद जो है झगड़ा हो जाता, तो वो सिचुएशन कैसा होता बोले तो हिंदू और मुसलमान में जो है एक झगड़े का माहौल बनता। तो जो ऐसे एक दो जगहों पे जो है वहाँ पर हम खुद भी जो है वहाँ पर जाके काउंसलिंग करें और जो है वहाँ पर जो है वो लोग को कॉम्प्रोमाइज करके जो है भेजे इंजॉयमेंट करते, स्टार्टिंग से मंडपम के पास जो है बैठते करते इंजॉयमेंट करते, उसके बाद में जब जो गणेशों की जो यात्रा जाती, जो यात्रा जाती गणेशों की, उसके बाद में वो यात्रा के साथ जो है एक दूसरे से बोलचाल होती, नशे की हालत में लड़ाई झगड़ा कर लेते, तो वो मंडपम वालों को भी अपनी जिम्मेदारी चाहिए कि जो है माहौल को जो है संभालने के लिए हमारे साथ में जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, जो हम फेस्टिवल को इंजॉयमेंट कर रहे हैं, वो इंजॉयमेंट को जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से करें, और आपस में जो हमारे दोस्ताने में जो है कम्युनिटी में जो चेंजेस आते हैं, जो वो कम्युनलिज्म की तरफ रुख होता है, उसके बाद से जो है हम फोकस करते हुए काम करें, इंजॉयमेंट करना है तो जो है आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। ये जो कोवा का एसोसिएशन है, ये काफ़ी समय से मैं एसोसिएटेड रहा हूँ, कई इंटरफेस जो प्रोग्राम्स होते थे वो हम भी थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। इसी तरह से जैसे आप पीस की बात कर रहे थे, जैसे किशनबाग एरिया में भी 2003 में हुआ था प्रोजेक्ट, उसके बाद में 2014 में हुआ था, तो उसको जो है अभी रोकने में शायद हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। उसके बाद में जो है हम लोगों ने कोशिश रही है कि जो भी हमारे जो फेस्टिवल्स होती हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए उनका स्वागत किया जाए, और इन सब चीज़ों पर जो ध्यान दिया जा रहा है, और इनवाइटिंग ईच अदर टू ऑल देयर अपने जो फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, आपस में एक दूसरे को बुला रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो समझने में बहुत आसानी होती है। एक ये होता है कि सब अपने एक दूसरे से इंटरफेस के ऊपर बात करते हुए हम एक दूसरे को अपने घर बुलाते हैं, हमारी चीज़ें उनको जानने का मौका मिलता है।